स्टार्ट। थैंक यू। स्टार्ट। इसका यूज करते जा रहे हैं सर। आप क्या 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 काम लिया सर? क्या क्या काम ले चुके हैं? काम स्कूल का मतलब जो है सर, ब्रेज डेस्क बनवा रहे हैं पूरा, ठीक है ना, ब्रेज डेस्क को धीरे धीरे, पानी का हर जगह, मतलब कि बच्चों का स्पेशल, मतलब कि टैंक करके, मतलब वो सुविधा, क्लासरूम्स कुछ घट रहे थे बच्चों के बिछाने के लिए, तो उधर दो तो उसमें वो था कचरा सब था, उसको हटवाए रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को वो दिक्कत ना हो। अभी थोड़ा हमको ये बैंक के कारण थोड़ा सा विकास को उसमें लेट हुआ, इसीलिए हमारा काम में थोड़ा आपसे बिना मतलब की पैसा लिए नहीं दे रहा था, तो यहीं पे बनवाना चालू कर दिया। अगर जमीन का इशू सॉल्व अभी सर करवा दो जो है ना सर, इसमें कुछ योजना मत का भी राशि 11.5 लाख का है, तो वो कैसे खर्च करेंगे? कोई हद नहीं, वो हम आपको अलाउ कर देंगे। अगर सर के द्वारा आदेश मिलने का कभी जल्दी चीनी नहीं हो पाता है, अधिक आस पर खर्च मोरल अथॉरिटी रहेगी। आपको तो 99 क्या 100% हाजिरी होनी चाहिए, कभी नहीं रहे तो परमिशन ले ली, बीमार हो गए। तो ये जो 9 बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं या 12 बच्चे नहीं आ रहे हैं, इनको ऑलरेडी से कॉल कर रहा है। चलिए, आपकी बाकी पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है? yes, आप लोग यहीं रहते हैं, बाहर से आते जाते हैं? तो आप लोग सब टीचर हैं, स्टूडेंट हैं? काफी स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग इसे 24 अगस्त में फिर हम रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, आप लोग पास कर गए तो। थैंक यू सर। 24 अगस्त में हम लोगों ने BTSC में कैलेंडर में डाला है, हर साल अगस्त में एग्जाम होगा सर, ये तो बहुत। और इस बार जो तीसरा राउंड जो अगस्त में होगा, अगर पहले नहीं होता है तो उसमें कम से कम 60-70 हजार वैकेंसी रहेगी, तो आप चिंता ना करें, आप बस ईमानदारी से यहाँ पास कर जाइए और वहाँ पास। दाल है, चावल है, वेज वाले मूंगफली की सब्जी है, रोटी है, सलाद है, अचार है। सुबह अंडा रोल देते हैं दे लीजिए। रात के खाने में नॉन वेज कितनी रात में होता है? रात होती है सर, अनलिमिटेड है उसमें। नहीं नहीं, 7 दिन में कितने दिन नॉन वेज रहता है? हफ्ता भर 2 वेज सर। अभी वो लोग, मैं सूरज को डाटा हूँ, मैंने कहा कि एक साथ पिछली मीटिंग से बातें हैं, तुमको इंस्ट्रक्शन दिए थे, फिर मैं कम्युनिकेट क्यों नहीं? 4 बार होता है। ओके सर। 7 रातें होती है घुटने में, 15 दिन हो गया मुर्गा मछली, रात को अंडा नहीं खिलाया। अंडा आप सुबह खिला चुके हैं, बात समझ दोपहर की थाली। हाँ, प्लस वहाँ का जो बच्चा, वहाँ का भी बच्चा, वहाँ का ठीक है, समझ गए सर। यही धुलवाइए, इसको साफ कराइए। समझ गए, समझ गए। इसमें क्या टूटा हुआ और क्या व्यवस्थित चाहिए? पूरा मैंने टूटा हुआ है पूरा। आइए दिखाइए, हमको देखते हैं, हमको ऐसा करके और साफ सफाई करके। और यहाँ पे मरीज नहीं नहीं मैडम, रोज नाखून कटता है, आप होता है ना, नहाते हैं ना हम लोग, रोज सफाई होगी। तो ये पेड़ के नीचे आंगनवाड़ी नहीं चली, कमरा चला गया। अगली बार आपने बुद्धि लगाई तो आपने कार्रवाई। तो यही बैठिए, सर से भी पूछिए भाई, यही बैठते थे, यही बैठिए आप फिलहाल। आप स्वीपर की संख्या बढ़ा दीजिए, उनके शर्ट बदल दीजिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी अपने पैसे से आप लोग स्थानीय गांव के लोग हैं, स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल तो मिला चलता है सर, उसमें टीचर टाइम से आते हैं। क्या करेंगे घर ले लीजिएगा कमरा, ठीक है? और आपके आसपास के और सहेलियाँ होंगी, उनके साथ रूम शेयर करेंगे तो पैसे भी बचेंगे और सुरक्षा भी। चलिए, मैं मतलब यही कहना चाह रहा था कि इसको कर लीजिए। और आए भी जाएंगे कैसे स्कूल से? कितने लोगों को स्कूटी चलाना आता है लेडीज में? साइकिल आता है, चलिए साइकिल आता तो साइकिल से ले जाता है। आजकल तो बड़े बड़े लोग वजन कम करने से साइकिल से जाते हैं, पर हम लोगों ने इन लोगों को बोला है जल्दी से आपकी स्कूटरी और मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू करें, ठीक है? एक अपने जीवन में स्थायी तो लाइए, ठीक है? जल्दी से एक सिस्टम में पैटर्न में आ जाए, आपको आसानी होगी, ठीक है? मुझे वही चिंता है कि आप लोग जाना आना बंद कर देंगे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही परेशानी है।
गांव में जाइए, जनता की एक ही प्रॉब्लम थी कि सर टीचर आता है तो पढ़ाता नहीं है, बैठा रहता है, बच्चे फूदर फादर करते हैं। हम एक अरवल में जिले में गए थे इंस्पेक्शन, वो बच्चों की दो चार अभिभावक आ गए, उन्होंने उनकी माँ ने कहा कि साहब हम तो आपने कहा था स्कूल में भेजो, हमने भेज दिया, स्कूल में भी दिन दिन भर फूद फाद करता रहता, हमने अपने बच्चे को पढ़ते हुए नहीं भेजा। तो वो नहीं होना चाहिए, उस घर में कूद फांद करता था, उससे परेशान होकर हमने स्कूल भेजा, तो मास्टर साहब को मतलब ही नहीं है, बच्चा कूद फांद कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई क्लासरूम का अध्यक्ष, इसीलिए ऑपरेशन कक्ष लॉन्च किया गया, इम्पोर्टेंट है, एक एक बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसकी एक एक कमी, इसीलिए इतने टीचर डाल दिए गए। और बाकी आप लोगों का जहाँ तक सवाल है सैलरी वगैरह का, तो हम लोग प्रयास रहते हैं कि 7 दिसंबर से पहले मिल जाए। प्राइम ब्रांड का अप्लाई सबने कर दिया, कितनों का प्राइम जनरेट होकर नंबर आ गया है, HR का तो आया होगा, वेरी गुड, ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे 7 से पहले आपको सैलरी देंगे। थैंक यू, स्टार्ट।